मॉर्निंग दोस्तों, मैं सारी आपका अपने YouTube चैनल के आइडियल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी पढ़ने की श्रृंखला में आज हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लिंग। बच्चों, हिंदी में ये तो टॉपिक है लिंग। लिंग जैसे क्या होता है, लिंग से हमें अनुमान होता है कि ये क्या है। शब्दों के बारे में देख कर जानकारी मिले कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। महिला और पुरुष, जिन शब्दों से महिला और पुरुष की या कह सकते पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जानकारी मिले, उन्हें हम लिंग कहते हैं। तो आज हम देखते हैं बच्चों, लिंग तो हम जानते हैं कि हिंदी में दो लिंग होती हैं, एक पुल्लिंग होती है, दूसरी स्त्रीलिंग। यही बात जब हम संस्कृत में करते हैं बच्चों, तो संस्कृत में तीन लिंग होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो हम हिंदी की बात करते हैं, चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो टेट का एग्जाम जब हम देते हैं, टेट, सुपर टेट या सी टेट, जो भी एग्जाम हम कॉम्पिटेटिव दे रहे हैं, आर टेट, उन सब में लिंग के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए हमें लिंग पहचानने की ट्रिक आनी चाहिए। तो आज हम क्या बताएंगे आपको, लिंग को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से स्त्रीलिंग है और कौन सा पुरुष पुल्लिंग है, सॉरी। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, एक ही बार में आपको लिंग की पहचान हो जाएगी। तो आइए हम लिंग पे बात करते हैं। तो लिंग मतलब वह शब्द जिससे स्त्री और पुरुष जाति का ज्ञान हो जाता है, उसे हम लिंग कहते हैं। अब हम लिंग पहचानने की एक ट्रिक लिखते हैं। लिंग पहचानने की ट्रिक है बच्चों, सबसे पहले दो लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग में बच्चों पहचानने के कुछ आपको ट्रिक दी गई है। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों को लेते हैं जिनको थोड़ा हम अपने दिमाग में रखेंगे। जब इन शब्दों को हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हम आपको एक जादुई ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक को लगा के आप तुरंत ही पहचान जाएंगे क्या पुल्लिंग है क्या स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले इन शब्दों के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या आता है। तो बच्चों, पुल्लिंग में जो पहला है, माह के नाम, मतलब महीनों के नाम। माह के नाम में बच्चों चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरीके से आपके माह के नाम आएंगे, जनवरी, फरवरी। लेकिन बच्चों, जनवरी आपका पुल्लिंग नहीं होता। माह में दो तीन महीने आपके हैं जो स्त्रीलिंग में आएंगे, इसमें अपवाद रहेंगे। वो महीनों के नाम जैसे जनवरी, मई, जुलाई आपका अपवाद होगा, वो हमारा स्त्रीलिंग में आएगा, उसको हम बताएंगे स्त्रीलिंग जब पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दिनों के नाम। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरीके से सारे दिनों के नाम। फिर तारों और ग्रहों के नाम। अब बच्चों, तारों और ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, नाम जितना भी है, लेकिन 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 इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये अपवाद है क्या, ग्रहों के नाम में पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग में आएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपवाद वाले चीजें जरूर पूछ ली जाती हैं। अब पहाड़ों के नाम, पृथ्वी आपकी अपवाद में है, पहाड़ों में आपके आ गए हिमालय पर पहाड़ आ गया, हिमालय आ गया, माउंट एवरेस्ट आ गया, रॉकी आ गया, ब्लैक फॉरेस्ट आ गया, इस तरीके से पहाड़ों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। देन आता है देशों के नाम। देशों के नाम में जैसे हमारा आता है भारत, चीन, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितने भी देशों के नाम है सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। देन आते हैं रत्नों के नाम। रत्नों के नाम में बच्चों लोहा, सोना, तांबा, जस्ता, हीरा, ये सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन चांदी आपकी स्त्रीलिंग में, चांदी आपकी अपवाद में आ रही है। देन हम रखते हैं अन्नों के नाम। अन्नों के नाम में गेहूं, चावल, चना, ये सारे जितने भी अन्न होते, बट इसमें भी अपवाद है। कुछ चंद जैसे अरहर, मूंग, ज्वार, बाजरा, इसको दाल बोलते हैं हम। तो अन्नों में गेहूं, चावल, चना याद रखिए। वृक्षों में आपके आगे आम, महुआ, आम, महुआ, पीपल, बरगद, जितने भी वृक्ष होते, लेकिन इमली का पेड़ जो होता है ये आपका अपवाद है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आता है। देन आते हैं बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, भाववाचक शब्द। तो इन भाववाचक शब्दों को हम विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। भाववाचक में आपका आएगा पा, आ भाववाचक का पन, आओ। अब इनसे बनने वाले शब्द जैसे पन से बचपन, महत्व, आओ से दिखावा, पढ़ावा, लिखावा, बनावा, बुढ़ापा, अपना, पा, जाना, और कुछ विशेष शब्द हैं। इन भाववाचक शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए।
रखिएगा, इनसे बनने वाले शब्द आपके पुलिंग में आएंगे। फिर कुछ विशेष शब्द हैं जो कि विशेष रूप से पुलिंग में ही आते हैं, स्त्रीलिंग होते हुए इनको हम पुलिंग में ही इंक्लूड करते हैं। तो ये विशेष शब्द हमारे क्या है, दही, घी, पानी, हाथी, तलवार। बच्चों ये सारे आप नोट कर लीजिए, कुछ चीजें आप याद रखेंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से सिखाते हैं हम आपको। अब थोड़ा हम स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं, देन आपको हम ट्रिक बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे पुलिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों स्त्रीलिंग में हमारा पहला आता है नदियों के नाम। जितनी भी नदियां हैं सब हमारे स्त्रीलिंग होंगी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, स्वर्णरेखा, साबरमती। किंतु में भी अपवाद है, अपवाद में कौन कौन सी नदी, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और सोन है। ये तीन नदियां आपकी अपवाद में है, इनको हम पुलिंग में लेते हैं, इसलिए अपवाद वाली चीजों को आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में आपसे अपवाद ही पूछता है। क्योंकि हम नदियों का नाम याद कर लिए, अब वहाँ ब्रह्मपुत्र, सोन या सिंधु में से कोई पूछ लिया तो हम तो यही याद रखेंगे ना कि नदियों के नाम हमारे स्त्रीलिंग है, लेकिन ये हमारे तीन नदियों के नाम पुलिंग में आएंगे। देन आता है बच्चों तिथियों के नाम। तिथियों में आपके बच्चों प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चौथ, दूज, तृतीया, चौथ ये भी कह सकते हैं। और उसमें कुछ महीने होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे जनवरी, मई और जुलाई। इन तीन महीनों को आप स्पेशली याद करिएगा, ये तीन महीने जनवरी, मई, जुलाई हमारी स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देन हमारा भाववाचक शब्द, कुछ भाववाचक शब्द है जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे अंतता, आईवट, आवट, घबराहट आ गया, महत्व, घबराहट, बनावट, दिखावट, सजावट, बनावट, मनुष्यता, पढ़ाई लिखाई, ये सारे आपके भाववाचक शब्द से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द है। दिन दाल आ गई बच्चों, जो दालें होती जैसे मक्की की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल और ज्वार। आपका ज्वार विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ज्वार शब्द जरूर पूछा जाता है, तो ज्वार आपका स्त्रीलिंग होगा। दिन भाषाओं के नाम, भाषाओं में आपके हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, अरबी, फारसी, जितनी भी आपकी भाषाएं हैं सब आपकी क्या होंगी, स्त्रीलिंग होगी। जैसे कुछ शब्द है बच्चों, सजावट, बस, गाड़ी, भूख, चावल, कलम, बिजली, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी स्त्रीलिंग की चीजें है और ये आपकी पुलिंग लिंग है। इन शब्दों को आप लिख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम थोड़ी सी आपको ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक में क्या है, इसको मैं इरेज करती हूँ बच्चों, देन हम ट्रिक पे बात करते हैं। पुलिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए सबसे पहले जो भी शब्द हो, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो भी शब्द हो हमारे पास उस शब्द के आगे विशेषण लगा दो। जो भी शब्द है उसके आगे विशेषण लगा दो, उसके आगे विशेषण लगा के चेक करो, आगे विशेषण लगा दो, विशेषण लगा दो। जैसे विशेषण में क्या लगा दोगे, अच्छा और अच्छी विशेषण, अच्छा और अच्छी विशेषण लगा के चेक करिए कि अच्छा से बन रहा है कि अच्छी से बन रही है। मेरा, मेरी विशेषण लगा के चेक करिए, मेरा और मेरी। ये ट्रिक और हम आपको बताते हैं, शब्दों को देखकर मुंह से बोलिए। दूसरी ट्रिक क्या है, जो भी शब्द आपकी स्त्री और पुरुष के लिए दिए हुए हैं उनको देखकर आप मुंह से बोलिए। तो मैं यहाँ दूसरी ट्रिक लिख रही हूँ, शब्दों को देखकर मुंह से बोले, मुंह से बोले, शब्दों को देखकर मुंह से बोले। कोई भी शब्द आप उसको देखिए और मुंह से बोलिए। कैसे मुंह से बोलेंगे, जैसे सजावट एक शब्द दे दिया गया, अब इसको मुंह से बोलो, सजावट अच्छा है या अच्छी है, तो सजावट हमेशा अच्छी है, अच्छा है तो बोलोगे नहीं। और मान लीजिए यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक दे दिया, यह मेरा पुस्तक है तो बोलेंगे नहीं। अब मेरा विशेषण लगाएंगे तो पता चल जाएगा पुस्तक क्या है, क्या है पुस्तक, सजावट और पुस्तक क्या, जब मेरा लगाएंगे तो पता चल जाएगा स्त्रीलिंग, क्योंकि मेरा नहीं बैठेगा और मेरी बैठेगी, बस हो गया, यह बस